आसमानी किताबों के बारे में अकीदे। अकीदा नंबर एक, अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बहुत से पैगंबरों पर उतारी ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाएं। छोटी किताबों को सहीफ़े और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। अकीदा नंबर दो, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में चार किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, कुरान मजीद हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। अकीदा नंबर तीन, अल्लाह ताला की सब किताबों पर हम ईमान लाते हैं कि इनमें जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा वो सब सच और हक है। अपने अपने ज़माने में उनके अहकाम पर अमल करना ज़रूरी रहा है और इसी में बंदों की नजात रही, मगर अब क़ियामत तक सब की नजात सिर्फ कुरान ही पर अमल करने में है। अकीदा नंबर पाँच, कुरान मजीद के सिवा दूसरी किताबों को गुमराह और आवारा मिजाज लोगों ने बहुत कुछ बदल डाला है, अब वो अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं है, इसलिए इनकी जो बातें कुरान के मुआफिक है वो तो सच्ची हैं और जो कुरान के ख़िलाफ़ है वो झूठी है, और जो बातें ना मुआफिक हैं ना मुखालिफ हैं उनके बारे में हम खामोश रहेंगे।